हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समथिंग न्यू 24 यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रदीप। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यूटाइज पोर्टल पर आप अपने बच्चों की क्लास को कैसे अपडेट कर सकते हैं। अपडेट से मतलब दोस्तों, कैसे आप अपने यूटाइज पोर्टल पे बच्चों की क्लास को प्रमोट कर सकते हैं। जैसे कि अगर वो फर्स्ट में पढ़ रहा है तो वो सेकेंड में चला जाए, सेकेंड वाला थर्ड में चला जाए, इस प्रकार से। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, यूटाइज पोर्टल जो है पूरे नेशनल लेवल पर काम करता है। यानी कि ये इसमें किसी भी स्टेट में अगर छात्र पढ़ रहा है, किसी भी राज्य से अगर वो है, तो यूटाइज पोर्टल पे आप उसको चेक कर सकते हैं कि ये किस राज्य में किस स्कूल तक पढ़ा है, यानी कि किस क्लास तक इसने पढ़ाई की है। चाहे वो किसी भी राज्य में पढ़ा हो, आप उसको चेक कर सकते हैं। दोस्तों, हर एक बच्चे की पैन आईडी बनाई जाती है यूटाइज पोर्टल पे। जब उसका रजिस्ट्रेशन होता है तो उसकी एक पैन आईडी जनरेट हो जाती है। तो दोस्तों, उसी के द्वारा अपन ये सब चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ हम लोग इतना ही देखेंगे कि आप अपने बच्चों की क्लास को कैसे प्रमोट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप कंप्यूटर या लैपटॉप का यूज़ कर रहे हैं तो इस प्रकार से आपको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पर क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। यदि मोबाइल का यूज कर रहे हैं तो उस पर भी आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप क्रोम ब्राउज़र को खोल लेंगे, गूगल क्रोम ब्राउज़र को, तो यहाँ पे आपको टाइप करना है udice+.gov.in। दोस्तों, ये udice की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का होम पेज खुल के आएगा udice का। यहाँ पे दोस्तों आपको लॉगिन करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे नीचे आप देखेंगे कि स्टूडेंट मॉड्यूल सेलेक्ट स्टेट। तो दोस्तों, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो उस स्टेट को सिलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पे मध्य प्रदेश को सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे गो कर दीजिए। दोस्तों, जिस स्टेट से भी आप हैं उसी को सिलेक्ट करना। उसके बाद ही आपकी जो लॉगिन आईडी होगी वो काम करेगी, नहीं तो आप लॉगिन नहीं कर पाओगे। यहाँ पे दोस्तों आपको अपना डाइस कोड डालना है ऊपर, और यहाँ पे जो भी आपका पासवर्ड है, जो भी आपका पासवर्ड है उसको डालने के बाद, कैप्चा फिल करने के बाद आपको यहाँ लॉगिन कर लेना है। तो दोस्तों, मैं इसको लॉगिन करने के बाद आपको बताता हूँ। दोस्तों, लॉगिन हो जाने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देगी, जिसमें पुराना सेशन 2023-24 और नया सेशन 2024-25 का एक ब्लॉग बना हुआ आएगा। तो इस पे आपको दोस्तों क्लिक करना है, नए सेशन पे 2024-25 पे। इस पे दोस्तों जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार की जानकारी खुल के आएगी। यहाँ पे दोस्तों, ये डैशबोर्ड में आप देख सकते हैं, यहाँ पे सभी चीज़ें 00 आएंगी आपके में खुल के। मैंने इसमें एंट्री कर दी है, इसलिए यहाँ पे कुछ एंट्री शो हो रही है। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ पे प्रोग्रेशन एक्टिविटी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो कर्सर मैंने यहाँ पे कर रखा है। तो प्रोग्रेशन एक्टिविटी पे आपको जाना है। प्रोग्रेशन एक्टिविटी पे जाने के बाद आपको यहाँ पे गो पे क्लिक करना है। जैसे ही आप गो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करनी है आपको अपनी क्लास। यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ नर्सरी। दोस्तों, यूटाइज पोर्टल पे जो भी क्लास आपकी है, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी क्लास, सभी क्लास के बच्चे यहाँ पे मैप किए जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने नर्सरी क्लास को सेलेक्ट कर लिया है। मुझे इस क्लास के बच्चों को प्रमोट करना है। तो दोस्तों, आप क्लास वाइज क्लास बच्चों को प्रमोट कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों इस प्रकार से आपके सामने खुल के आ जाएगा। मैंने दोस्तों यहाँ पे इसको फिल कर चुका हूँ मैं पहले से, फिर भी आपको बता देता हूँ करना क्या है आपको। यहाँ पे दोस्तों जैसे ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बच्चे का नाम लिखा है, यहाँ उसकी पैन आईडी लिखी हुई है। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रोग्रेशन स्टेटस में आपको यहाँ पे प्रमोट की स्थिति दी गई है। तो यदि आपका जो बच्चा है, जो छात्र है, वो उसको आप प्रमोट करना चाहते हैं तो यहाँ पे प्रमोटेड विथ एग्जामिनेशन पे सिलेक्ट कर देना। इसमें जो आप खोलेंगे तो यहाँ पे खुल के आएंगे प्रमोटेड विथ एग्जामिनेशन। यहाँ पे इस वाले कॉलम में उसकी परसेंटेज डालना है कि उसने 22-23 में कितने परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ये, और इसके बाद नंबर ऑफ डेज, यानी कि जितने नंबर ऑफ डेज से मतलब जितने दिन वो आया है अटेंड, जितने दिन उसने स्कूल अटेंड किया है, वो नंबर ऑफ डेज यहाँ पे आपको फिल कर देने। इसके बाद स्कूलिंग स्टेटस 2024-25 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये 2024-25 में इसका स्टेटस क्या है, क्या यह बच्चा अभी यही पढ़ रहा है या फिर इसने स्कूल को छोड़ दिया है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको उसकी स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि इस केस में यह बच्चा अभी पढ़ रहा है, तो मैंने यहाँ पे स्टडिंग इन सेम, मतलब कि यह बच्चा सेम स्कूल में अभी पढ़ रहा है, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्लास एंड सेक्शन
बी टू बी प्रमोटेड लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको उसका अगर आपने सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है तो ए बी सी खुल के आएगा, तो यहाँ पे आपको सेक्शन सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे अपडेट पे क्लिक कर देना है, तो आपका एक बच्चा अपडेट हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको दोस्तों सभी बच्चों को अपडेट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये काउंटिंग लिखी आ रही है, 37 बच्चे हैं टोटल। तो दोस्तों यहाँ पे एक बार पेज में 10 बच्चे खुल के आते हैं, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे 100 पे, तो दोस्तों एक ही बार में सभी बच्चे यहाँ पे खुल के आएंगे और सभी का डेटा आपको इसी प्रकार से फिल कर लेना है। इसके बाद दोस्तों लास्ट में एक बटन आएगा यहाँ पे फाइनलाइज़ का बटन, तो आपको उस पर क्लिक करके और इसको सबमिट कर देना है। इस प्रकार से आपकी एक क्लास प्रमोट हो जाएगी। दोस्तों जैसे ही आप क्लास प्रमोट कर देंगे सभी बच्चों की, तो आप उसको यहाँ पे डैशबोर्ड में देख सकते हैं। यहाँ पे आप लेफ़्ट साइड में आएंगे और स्कूल डैशबोर्ड जैसे ही खोलेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके जो जो बच्चे प्रमोट हो गए हैं उनकी काउंटिंग इस प्रकार से लिख के यहाँ पे आ जाएगी। दोस्तों प्रमोट फाइनलाइज़ करने के बाद, बच्चों को प्रमोट करने के बाद तुरंत ये डैशबोर्ड में अपडेट नहीं होते हैं, इसके लिए लगभग 6-7 घंटे या 24 घंटे का टाइम लगता है। तो आप थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए, आपके 24 घंटे के अंदर अंदर बच्चे यहाँ पे शो होने लगेंगे। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ आया होगा कि बच्चों को प्रमोट कैसे करना है।